हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप एग्जाम की तैयारी में व्यस्त और ऐसे में करंट अफेयर्स एग्जाम में आपके आ रहे हैं, तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत होते हैं, मोर देन सफिशियंट होते हैं और बहुत ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैंने उसे शामिल किया है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स से हो, हमारे देश के पॉलिटिक्स से संबंधित हो, या फिर कोई मेजर जो है साइंटिफिक रिसर्च हुआ हो, या फिर स्पेस में से कोई या स्पोर्ट्स में से जो है कोई बड़ी खबर आई है, उसे मैंने शामिल किया है इस करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके बाद हम लोग जो है पूरे वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पाल, आप लोगों के लिए क्वेश्चन में छोड़े जाता हूं, देखना चाहता हूं आप लोग कितने अवेयर हो। भारत आटा, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। देखिए, भारत आटा है क्या? भारत आटा जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें 27.50 रुपए में ये जो है अन्य लोगों को, गरीब लोगों को आटा प्रोवाइड करेगी। आपको बताना है कि कुल कितने केजी हर महीने सरकार ये आटा देने वाली है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस इंडियन मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। दोनों सवालों के जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने ये रहा, विच प्लेयर हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आपको ये बताना है कि किस क्रिकेटर के द्वारा सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाई गई है वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में। देखिए, टोटल सेंचुरी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग टैली भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नंबर वन पे आपको रोहित शर्मा देखेंगे, दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा ने 7 सेंचुरी लगाई है, सचिन तेंदुलकर ने 6। इसी नंबर में आपको जो है छठे नंबर पे विराट कोहली भी दिखेंगे, 5 सेंचुरी इन्होंने लगाई है। तो यहां पे आपको 3 इंडियन दिखेंगे, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी लाइज टू द साउथ ऑफ इटली। इटली के साउथ में जो है कौन सा वाटर बॉडी आपको दिखेगा, ब्लैक सी दिखेगा, कैस्पियन सी दिखेगा, बाल्टिक सी दिखेगा या मेडिटेरियन सी दिखेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां से मैं आपको मैप के माध्यम से जो है चीजों को दिखाता हूं। यहां से देख लो, ये रहा इटली का मैप, आपको दिख रहा होगा, और यहां से देखो ये मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपसे एक रिसेंट में हुए इवेंट से सवाल पूछूंगा। आपको पता है फिलिस्तीन जो कि गाजा स्ट्रिप पे अभी जो है फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं साउथ की ओर, आपको बस ये बताना है कि जो इसराइल है, इसराइल इंग्लिश में इसराइल बोलते हैं, हिंदी में इसराइल बोलते हैं, तो इसराइल के पास जो है कौन सा वाटर बॉडीज आपको दिखेगा, इसराइल के पूरे वर्ल्ड जो है इसराइल कैसे कनेक्ट कर पाता है, किस वाटर बॉडीज के द्वारा कनेक्ट कर पाता है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने सेम क्वेश्चन के लिए सेम रहेंगे, नीचे कमेंट करके उसके बारे में भी आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला देखो क्या है, मरापी वाल्केनो जो न्यूज में था बहुत ज्यादा, आपको बताना है कि ये वाल्केनो कहां पे इरप्ट हुआ था, जापान में, यूएसए में, इंडोनेशिया में या फिर न्यूजीलैंड में। तो देखो यहां से आप इसको देख पाओगे, ये देखो वाल्केनो की इमेज भी आपको दिख रही होगी, इंडोनेशिया, ये आपको दिख गया ना, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में ये भूकंप आपको देखने को मिला था, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ऑन विच डेट इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2023 ऑब्जर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस में ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे, अगर पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहां से जो है आप इसका एक टेम्पलेट देखोगे, चीजें आपके समझ में आ जाएगी, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर को जो है हम लोग नेशनल पॉल्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिसंबर, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड प्लान्स फॉर इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट। देखिए ये सैटेलाइट में जो है पोलर मीटर भी हम लोग जो है कैरी करने वाले हैं। ये मिशन जो है इंडिया किसके साथ ऑर्गेनाइज करने वाला है ये आपको बताना है। एक्चुअली ये मिशन जो है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा या फिर रोस्कोमोस। देखिए रोस्कोमोस जो है रशिया की कंपनी है, याद रखना है आपको, और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसमें टोटल जो है अलग अलग यूरोपियन कंट्री जो है इसमें शामिल होगी। एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़े जाऊंगा, जी हाँ, थोड़ा सा ये सवाल आपको जो है डेफिनेटली बताना चाहिए। अब आपसे सवाल में ये पूछ रहा हूं, यूरोपियन यूनियन में कुल कितने कंट्री शामिल हैं, ये आप नीचे कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां से आप देख पाओगे, इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे। हम लोग जो है ये पहला लॉन्च है इस तरह का जो इवेंट होने वाला है, यहां से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, G20 समिट, एक्चुअली ये G21
हो चुका है G21, अब ये रहा नहीं। देखिए इसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी यानी कि बिहार टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए अब ये G21 बन चुका है, लेकिन आपको काम की बात बताऊं, अभी भी इसमें 19 कंट्री ही हैं, 19 कंट्रीज ही हैं अभी तक, और इसमें दो यूरोपियन यूनियन है, एक्चुअली यूरोपियन नहीं, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, और अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया में आए थे और उन्होंने जो है ये सारी बातें उनके द्वारा डिस्कस की गई थी। तो उस प्राइम मिनिस्टर का या फिर प्रेसिडेंट का नाम बताना है, अफ्रीकन यूनियन के उस देश का नाम बताना है जो कि जो जिन्होंने जो है G21 में, एक्चुअली G20 में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब मैं G20 के बारे में आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली ये G21 बन चुका है तो हम लोग G21 ही से बोलें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए इसमें एक टर्म है ट्रायोका, यहां से ना हर साल सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछा गया था, 6-8 वाले क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो आपको वो आंसर क्वेश्चन दिखेगा। क्या है क्वेश्चन, G21 को जो अगला होने वाला है उसे सबमिट कौन करेगा, जो है उसकी होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। यहां भी क्वेश्चन है, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राजील हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ट्रायका के बारे में बता रहा था, तो देखिए ट्रायका क्या होता है, तीन कंट्री यहां पे ट्रायका मिलकर बनाती है। फिलहाल देखो अभी होस्ट कंट्री जो है, पिछले होस्ट कंट्री को देख लें तो कौन था, इंडिया था, तो इंडिया यहां पे ट्रायका बनाएगा, इंडिया है, हो गया पहला। दूसरा है ब्राजील, अभी जो करंट होस्ट कंट्री है, इसके बाद साउथ अफ्रीका अगला होस्ट कंट्री है, तो ये तीनों कंट्री मिलके इसे ही जो है ट्रायका कहते हैं। अब आप बोलोगे ये ट्रायका क्यों बनाया जाता है भैया, पूछा जो पुराने हो गए तो वो उनको तो पीछे छोड़ देना चाहिए था ना। देखिए इंडिया में जो भी रेजोल्यूशन सारे कंट्री ने मिलकर किया या फिर जिस पे काम करने वाले हैं ये, तो इसमें क्या होगा कि इंडिया के बात को भी लिया जाएगा, ब्राजील के भी बात को लिया जाएगा और साउथ अफ्रीका, तीनों कोऑर्डिनेट करके चीजों को आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि पिछली सरकार ने जो स्कीम लॉन्च कर दी वो वहीं रह गई, छूट गई, ऐसा यहां पे नहीं होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ब्राजील, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप जो है इसकी फोटो भी देख सकते हो और हम लोगों ने जो है ब्राजील को जो है मेजबानी सौंप दी है, यहां से आप देख पाओगे, हैंड ओवर हम लोगों ने कर दिया है ब्राजील के एम्बेसडर को। चलिए आगे बढ़ेंगे, माउंट इटना जो है ये न्यूज में है, आपको बताना है कि ये किस कंट्री में है। तो देखिए यहां पे भी जो एसएस है ना, स्पेस से इसकी इमेज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप फोटो देख लो, यहां से आप देख पाओगे, ये देख लो इटली, माउंट इटना, जो इटली की माउंट इटना है, इरप्शन जब हुआ था तो यहां से जो इसकी स्पेस से जो है धुएं की राख की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। सोच के देखो ये कितना बेबस था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इटली इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली WHO डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मेजर हेल्थ थ्रेट। देखिए आपको पूछा गया है कि WHO ने कौन से बीमारी को या फिर किस डिजीज को कहा है कि ये जो है मेजर हेल्थ थ्रेट है, यानी कि लोगों के जीवन पर खतरा है ये, लोनलीनेस, एक्सेसिव शुगर या फिर एक्सेसिव सॉल्ट, यानी कि आप ज्यादा चीनी ले रहे हो, ज्यादा नमक ले रहे हो, या फिर अकेलापन जो है ये बड़ा हेल्थ थ्रेट है। तो देखिए इसका सही जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, ऑप्शन ए ही है, यानी कि इंसान अकेले रहने से, उसे कोई बात करने वाला ना हो तो लोनलीनेस की वजह से जो है उसे अलग अलग डिजीज देखने को मिलेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द रवांडा प्लान। देखिए रवांडा प्लान क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैं इसका सीधा सीधा आंसर आपको बता देता हूं, यूके है। यूके जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे लोग अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो रिसोर्सेस है वो जो है बटने लगेगी, यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि गरीब कंट्री के लोग जब भी जाते हैं, ऐसा देखिए एक स्टीरियोटाइप मैं नहीं बनाना चाहता हूं बट ये रियलिटी है, देखना जिस कंट्री में ज्यादा माइग्रेशन होती है फिर वहां पे लूटपाट और भी अलग अलग तरह की घटनाएं होने लगती है। तो यूके ने रवांडा प्लान तैयार किया है कि रवांडा को ये कुछ पैसे दे देंगे पर माइग्रेशन पे, कि अगर कोई 1% जाता है तो चलो इतने पैसे ले लो, अब ये हमारे देश से बाहर निकलकर कहां चला जाएगा, रवांडा में चला जाएगा। तो ये प्लान जो है यूके ने लिया है, यहां से आप इसकी फोटो देख लो और चीजों को समझ लो। देखिए बीबीसी की आर्टिकल है, पढ़ सकते हो आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लूपेक्स जो कि एक ज्वाइंट मिशन है इंडियन स्पेस एजेंसी के बीच में, और कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके साथ इंडिया ने जो है, इसरो ने जो है यहां पे हाथ मिलाया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जेक्सा। जेक्सा देखिए जापानीज जो है सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो है एक्चुअली ये सैटेलाइट वगैरह का काम जो है जेक्सा देखती है जापान की, जैसे हमारे यहां इसरो देखती है, यानी कि जो भी स्पेस में एक्टिविटी करेगा जापान वो जेक्सा के माध्यम से ही करेगा। यहां से आप देख पाओगे इसरो और जेक्सा ने जो है एक लूनार पार्टनरशिप जो है करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2023 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है वहां पे जो है जेवियर मिली को
प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। आपको बताना है कौन से कंट्री के लिए जो है जेवियर मिलई को जो है वहां पे प्रेसिडेंट चुना गया है। यूएसए बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता है जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो है इलेक्शन हुए हैं और अर्जेंटीना में आपको पता होना चाहिए श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं, वहां पे जो है इकोनॉमी बहुत ही खराब हो चुकी है और अर्जेंटीना में इन्होंने कहा कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, इकोनॉमिस्ट भी है ये, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, देखिए लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हाल में ही किस कंट्री ने डिजिग्नेट कर दिया है, मान्यता दे दिया कि ये जो लश्कर ए तैयबा है ये एक क्या है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ कोरिया या फिर यूएसए, चाइना या फिर इसराइल। तो देखिए इसराइल ने कहा है कि ये जो लश्कर ए तैयबा, ये पहले जो एक्चुअली पाकिस्तान का है आतंकवादी संगठन, ये इंडिया पे बहुत बार अटैक कर चुका है, तो इसराइल ने इसे जो है पहले ये नहीं मानता था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल ने कहा कि हम इसे मानते हैं। एक्चुअली इंडिया से जो है इसराइल यहाँ पे चाह रहा है कि हमास को, ये जो है हमास, मैं स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, एक्चुअली एच यू होना चाहिए, खैर आप लोग देख लेना, हमास को भी जो है इंडिया जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दे, ये होप में है, इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है, अब ये इंडिया से उम्मीद कर रहा है कि इंडिया भी इसके बारे में कुछ करे। क्लियर हो गई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजस फाइटर जेट, आपने पहले फोटो देख लो आप इसकी, तेजस की फाइटर जो है हम लोग अलग अलग कंट्री को ये बेचने भी वाले हैं, ये बहुत बड़ी डील है हम लोगों के लिए। इंडोनेशिया इसमें जो है बहुत आगे आ रहा है कि तेजस फाइटर को इंडिया इन्हें बेच दे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग इसे फिलीपींस को भी बेचने वाले हैं, लेकिन सवाल यहां क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम तेजस रखा है, मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, नरेंद्र मोदी ने और एपीजे अब्दुल कलाम ने। आपका जो आंसर होगा ये दोनों में से एक जगह पे आप अटक रहे होगे, तो बिल्कुल गलत हो आप अगर ये दोनों नाम में से आपका अटक रहा था, दोनों ही नाम इसका इनकरेक्ट है, सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है तेजस फाइटर का नाम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है, विच स्केयर्स एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन सतलज रिवर। देखिए सतलज जो नदी है वहां पे एक एलिमेंट, बहुत ही रेयर एलिमेंट जो है मिला है, अब आपको बताना है वो जो मेटल है उसका नाम क्या है। तो यहां से मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं, यहां से देखो, वेट, यहां से आप जो है आर्टिकल पढ़ सकते हो और टेंटुलम यहां से आपको दिख गया होगा, देख लो यहां मैं दिखा देता हूं, ये देखो ये है ना टेंटुलम जो है ये रेयर मेटल है, जो कि कहां मिल रहा है, सतलुज रिवर में। अब देखिए डिपेंड करेगा ना कि कितने क्वांटिटी में यह है, अब हम लोग जो है उसका जो एक्सरेशन करें और एक्सट्रेशन करें तो क्या होगा, अगर ज्यादा पैसे खर्च हो गए और क्वांटिटी ज्यादा नहीं रही तो फिर दिक्कत आएगी। तो देखिए फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी के साथ, आपको आगे बढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस द परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि इस कंट्री ने अपने एम्बेसी को परमानेंटली बंद कर दिया कि अब हम यहाँ पे एम्बेसी नहीं खोलने वाले हैं। किसने किया है ये काम, ये काम किया है अफगानिस्तान ने। देखिए एक्चुअली अफगानिस्तान को हम लोग जो है अभी कंट्री, एक्चुअली कंट्री तो मान रहे हैं, यहाँ पे हेल्प भी हम लोग दे रहे हैं, बट यहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसे हम लोग नहीं मानते, और इसी वजह से जो पुराना अफगानिस्तान के जो पुराने यहाँ पे एम्बेसी के लोग थे वो जो है बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, इसलिए इन्होंने जो है अपना एम्बेसी को बंद करके ये वापस चले जाएंगे। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप बिजनेस टुडे की आर्टिकल को भी देख सकती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है सेमीकंडक्टर चिप पर, आपको बताना है विच ब्लॉक, किसके साथ किया है, G20 के साथ किया है, ब्रिक्स के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, या फिर अफ्रीकन यूनियन के साथ हम लोगों ने यह काम किया है। तो देखिए इसका सही जवाब यहां से आप देख पाओगे, ये देख लो, इंडिया एंड यूएस, हम लोगों ने जो है इंडिया के साथ जो है ये डील किया है। लेकिन अब यहां पे सवाल आता है ना कि MOU आपसे देखिए पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी बात है ना कि हाँ हम लोगों के साथ अमेरिका भी, हम लोग शामिल, अमेरिका के साथ भी हम लोगों ने जो है MOU साइन किया है सेमीकंडक्टर के मामले में, और हम लोगों ने जो है जापान के साथ भी जो है डील साइन कर लिया है, ठीक है। अब आपको बस ये पूछा गया कि इंडिया ने जो है किसके साथ किया है, यूनाइटेड स्टेट के साथ तो किया ही किया है, अब आपको बताना है किस ब्लॉक के साथ किया है। यहाँ पे सवाल ये आता है कि किस ब्लॉक के साथ हम लोगों ने जो है ये डील साइन करी है, G20 है वो, या फिर ब्रिक्स है, यूरोपियन यूनियन है, या फिर वो कौन सी कंट्री है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक्चुअली यहां से आप इसका जवाब भी देख सकते हो, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। Who won the 2023 Booker Prize for his fifth Nobel Prophet song? देखिए इनके Nobel का नाम क्या था? Prophet song. 2023 Booker Prize जो है इनको इस Nobel के लिए मिला है, उस writer का नाम आपको बताना है। तो देखिए इनका नाम है Paul Lynch। यहां से आप इनका नाम, wait,
यहां से देख लो, ये फोटो भी आपको दिख रही होगी पॉल लिंच की, और इन्होंने जो है ये आयरिश ऑथर है, एक्चुअली ये आयरलैंड से आते हैं, और इन्होंने 2023 का बुकर प्राइज जीता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये फंसने ही वाला है। आगे देख लेते हैं, When is Constitution Day celebrated every year in India? यानी कि भारत में जो Constitution Day है ये celebrate किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि ये जो Constitution Day celebrate किया जाता है हर साल इंडिया में, किस तारीख को celebrate किया जाता है? 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 28 नवंबर को या 29 नवंबर को? तो देखिए इसका सही जवाब होना चाहिए 26 नवंबर। फिलहाल यहां से देख लेते हैं, यहां से देख लो, बिल्कुल 26 नवंबर को जो है यूजीसी यानी कि जो पूरे यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है, नियम बनाती है, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कह दिया कि 26 नवंबर को जो है, और ये सही बात भी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है जानकारी आपको रखनी ही चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग COP28? COP यानी कि COP28 जो है इस साल कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया नहीं कर रहा है और जापान और चाइना भी नहीं कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा UAE, और आपको जानकर हैरानी होगी कि UAE तेल बेचता है और यही जो है क्लाइमेट के बारे में जो है बात करने वाला है। खैर आयरनी है, कोई बात नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन फॉर द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया का जो है चुनाव कौन करता है, यानी कि हेड जो बनने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के। अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आप लोगों को, आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन के पहले जो चीफ थे, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ जो चीफ थे इंडिया के, वो पहले इलेक्शन कमीशन के नाम का आपको जो है नीचे मेंशन करना है, उनका नाम मेंशन कर देना है। तो देखिए फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इसका सही जवाब है। और इस पर एक टिप्पणी भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को जो है इलेक्शन कमीशन मत बनाइए जिनके पास कोई पावर ही नहीं हो और वो जो है केंद्र सरकार के यानी यूनियन गवर्नमेंट के इशारे पे चलता हो। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सीजन ऑफ द लोकसभा, कौन सा सेशन जो है ये लोकसभा का नहीं है सेशन? देखिए बजट सेशन बिल्कुल है जो कि आने ही वाला है, मॉनसून सेशन भी होता है, विंटर सेशन भी होता है, लेकिन समर सेशन जो है हम लोगों के कंट्री में नहीं होता है, सी इसका सही जवाब है। नोट पूछा गया था, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और देखिए यहां पे आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा स्पेशल सेशन के बारे में, तो देखिए स्पेशल सेशन होता क्या है, स्पेशल सेशन एक्चुअली वो होगा जब कोई गवर्नमेंट को जो है कुछ विशेष काम आन पड़े। तो अभी हाल में ही जो वुमेन रिजर्वेशन है ये जो है सरकार ने लाया, यूनियन गवर्नमेंट ने लाया, तो स्पेशल जो है सेशन की शुरुआत की गई थी। अब आपसे सवाल पूछ लिया गया है, व्हाट डज COP28 स्टैंड्स फॉर, देखिए जो COP28 स्टैंड है वो किस बारे में है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो आप यहां से देख पाओगे। देखिए ऑप्शन ए क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम 2028, देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो स्टैंड करता है कॉन्फ्रेंस फॉर द पार्टीज, सीओपी का मतलब ये होता है कॉन्फ्रेंस, और ऑप्शन बी में आपको जो है इसका सही जवाब दिखेगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यहां से जो है ये आपको दिख रहा होगा दुबई में जो ये जो है हो रहा है, यूएई में हो रहा है, दुबई और यूएई में, यूएई ही के अंदर ही दुबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज प्रोमिस टू बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट जीरो एमिशन, देखिए हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हम लोग 2070 तक 70 तक जो है हम लोग जो है कोल यूज नहीं करेंगे, कोयला यूज नहीं करेंगे। अब देखो कोयला से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, इससे जो है स्टील फैक्ट्री वगैरह बहुत काम, और बहुत सारे फैक्ट्री में जो है इसका यूज किया जाता है कोल का। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कोयला का इस्तेमाल हम लोग जो है 2070 तक नहीं करेंगे, और तब तक जो है जीरो एमिशन, जो कार्बन जीरो एमिशन है उसके लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। यहां से मोदी जी की फोटो भी देख सकते हो, और इन्होंने जो है 2070 तक ये बातें कही है। अगला सवाल देखिए क्या है, इंडिया हैज प्रोवाइड अ 250 मिलियन लाइन ऑफ अ कंट्रोल, देखिए कंट्रोल नहीं एक्चुअली ये क्रेडिट है। तो देखिए इंडिया जो है लाइन ऑफ अ क्रेडिट जो है किस कंट्री को देने वाला है, देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब तो बहुत ही कम पैसे में, चाइना की तरह नहीं कि डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं हम लोग किसी को, तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है इसका मतलब होता है बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है हम लोग किसी को पैसा देते हैं। तो हम लोग ये पैसा किस अफ्रीकन जो है कंट्री को देने वाले हैं, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया या फिर केनिया? तो इसका सही जवाब देखिए केनिया होने वाला है। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को ठीक से डील कर पाओ। यहां से देखिए ये मोदी जी और हमारे देश की राष्ट्रपति और केनिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी फोटो आपको दिख रही होगी। इंडिया ने जो है 250 मिलियन का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है केनिया को दिया है ताकि वो अपने यहाँ पे एग्री सेक्टर यानी कि खेती वगैरह कर पाए। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर, व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली विजिटेड विच
टू इंपॉर्टेंट गल्फ नेशन, देखिए गल्फ नेशन यानी कि तेल वाले कंट्री, गल्फ कंट्री, तो इस गल्फ कंट्री को, दो इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्री को जो है व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया है और इनको बहुत ही बड़ी वेलकम मिली है, अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा वेलकम मिली है। इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए यूएई और कतर, सॉरी सऊदी अरेबिया, ये जो है यूएई जाएंगे और कहां जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, बी इसका सही जवाब है। एक्चुअली वो चले जा चुके हैं, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। अगला सवाल देखिए क्या है, हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर जो है टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया है, नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर पुतिन को, टेलर स्विफ्ट को या फिर जो बाइडेन को, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, ये देख लो टेलर स्विफ्ट जो है इनको मैगजीन के द्वारा जो है टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो है ये सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड इन 2023, यानी कि जो एंटी करप्शन इंटरनेशनल डे है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यूएन ने कहा है, यहां से आप फोटो देख लो, पहले देखो ये, देखो यूएन की जो है ये आउटलेट है, यहां पे इन्होंने कहा कि हम लोग 9 दिसंबर को जो है एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। दो सवाल, दिसंबर 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, दूसरा सवाल 10 दिसंबर को हम लोग जो है 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, हु लॉन्च द भारत आटा, सवाल पूछा था ना मैंने, कहा था आपको, प्रॉमिस किया था कि आगे चलकर मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए भारत आटा जो है गरीबों को ये मिलने वाला है और ये स्कीम जो है सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जो है स्कीम है। और यहां से आप पहले देख लो, ये फोटो ही देख लो आप, ताकि चीजों को समझ पाओगे। देखिए ये रहा फोटो, किसकी फोटो आपको दिख रही होगी, पीयूष गोयल साहब की फोटो आपको दिख रही होगी। और ये जो है मार्केट में जो 32 से 34 रुपए केजी आटा मिल रहा है, सरकार जो है 27 रुपए 50 पैसे में ये आटा जो है देने वाली है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल एस का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को, सिटी ऑफ म्यूजिक का जो है खिताब यूनेस्को के द्वारा किस इंडियन सिटी को दिया गया है, ग्वालियर ऑप्शन दिख रहा है क्या, जी हाँ डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो और भी इसके क्वेश्चंस हैं वो भी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनेस्को के द्वारा अलग अलग सिटी को अलग अलग जो है टाइटल दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर, ग्वालियर को जो है डिक्लेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया अंडरटुक जो बोंग सागर 23 और कॉर्पेट एक्सरसाइज है नेवी का, ये किस कंट्री के साथ करने वाला है, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, थाईलैंड के साथ या फिर हर जो बिम्स्टेक कंट्री है उसके साथ, तो देखिए इसका सही जवाब यहां से आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम लोग जो है बांग्लादेश के साथ ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये करने वाले हैं, बी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग आर, देखिए अब आपसे सवाल पूछ दिया गया है हेडक्वार्टर जो अरब लीग का है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो देखिए इजिप्ट, साउथ कोरिया, यूएई या फिर कतर, तो यहां से आप इसके आंसर को देख पाओगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने मेंबर हैं, तो यहां पे आपको 22 मेंबर देखने को मिलेगा अरब लीग में, और जो फाउंडर स्टेट है यहां पे देखिए अल्फाबेटिकली इनके नाम को यहां पे दिखाया गया है और यहाँ पे जो है स्टार भी लगाया गया है, यानी कि स्टार का मतलब होता है कि इन कंट्री ने जो है फाउंडर स्टेट है ये, ठीक है। चलिए आगे यहां से देख लीजिए, अरब लीग है क्या, अरब लीग जो है जो अरबिक बोलने वाले अफ्रीकन या फिर एशियन कंट्री हैं उनका ये ग्रुप है, और ये जो है कैरियो में जो है 1945 में जो है प्रमोट किया गया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस या फिर सवरनिटी वगैरह जो है यहाँ पे हो, और ये यहाँ पे 22 अलग अलग देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा इजिप्ट में, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां मैप में भी आप देख सकते हो अरब लीग में देखिए कौन कौन सा देश यहां पे शामिल है, वो जो ग्रीन जो कंट्रीज आपको दिख रही है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज पुल्ड आउट द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म फोर्स इन यूरोप, यानी कि किस कंट्री ने अपने आप को अलग कर लिया है कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप में, इसराइल ने, रसिया ने, यूक्रेन ने या फिर जर्मनी ने, फोटो से आपको ना कुछ आइडिया लग गया होगा। नीचे देखो रसिया, यहां से आपको व्लादिमीर पुतिन की फोटो दिख रही होगी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी यानी कि रसिया ने यहां पे अपने आप को पुल आउट कर लिया है, आर्टिकल भी आपको दिख रहा होगा अल जजीरा का। चलिए आगे देखते हैं, नाटो एलाइज कंडेम्ड, सॉरी एक्चुअली ये निकल चुका है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है 95th मेंबर कौन सा देश बना है,
रिइंफोर्सिंग इट्स कमिटमेंट टू सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन, यानी कि ये जो है सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन को बढ़ाने वाला है। तो नॉर्थ कोरिया, चिले, ब्राजील या कोलंबिया, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा चिले। यहां से आप देख पाओगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चिले जो है 95वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड 553 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन अडानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। एक्चुअली श्रीलंका देखिए एक हॉट जो है स्पॉट बना हुआ है। इसका रीज़न क्या है, श्रीलंका पे पैसे देखो कौन लगा रहा है, चाइना लगा रहा है पैसे, श्रीलंका को चाइना लोन दे रहा है। इसी तरह से अब इंडिया भी यहाँ पे कूद गया है। इंडिया के देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच के अंतर को समझिए आप। चाइना यहाँ पे जो है लालच में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया यहाँ पे दोस्ती बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन यूएसए जो कि बहुत पीछे हो रहा था चाइना के दौर से, तो यूएसए जो है अब यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है। समझ में आ गई होगी आपको सारी बातें। तो इसी तरह से देखिए अडानी साहब, जी हाँ गौतम अडानी जिनका नाम आपने सुना होगा, मोदी जी के साथ लिंक किया जाता है इनका, इनकी जो एक बिजनेस है अडानी पोर्ट, ये क्या करती है अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में जी इंटरनेशनल यहाँ पे ये पोर्ट बनाती है और वहाँ से पैसे कमाती है। तो ये एक पोर्ट जो है कहाँ पे बनाने वाली है, श्रीलंका में। अब इस पोर्ट पे, अडानी के पोर्ट पे $553 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है कौन, अमेरिका। यूएसए जो है डालेगी यहाँ पे पैसा इनडायरेक्टली, ये जो है इंडिया को हेल्प करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप जो है इसकी फोटो भी देख सकते हो, अडानी ग्रुप पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अडानी का जो एक और पोर्ट है वो आपको इसराइल में भी देखने को मिलेगा, इसराइल में भी ये जो है पोर्ट बनाने वाले हैं, तो ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, युद्ध अभ्यास 2023 विल हैपन इन विच स्टेट, यानी कि युद्ध अभ्यास 2023 जो है कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन देखिए मैंने पढ़ दिया आप लोगों के लिए, ऑप्शन देखो महाराष्ट्र, अलास्का, तमिलनाडु या फिर कैलिफोर्निया। तो देखिए इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर इसे जो है कंडक्ट कराते हैं और ये 19th एडिशन है, इससे पहले 18 हो चुके हैं, 19th एडिशन है ये, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से आप देख पाओगे, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 सेट टू कमेंस इन फोर्थ वेट राइट। अब बोलोगे कि भैया आंसर कहाँ है, ये रहा आपका आंसर, ये देखो यूएसए दिख रहा है आपको, अलास्का, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको आगे बढ़ना था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूरोपियन यूनियन ईयू, जिसे शॉर्ट में ईयू भी बोला जाता है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है फर्स्ट जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है वो होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, गल्फ ऑफ जिनेवा, अरेबियन सी में, साउथ चाइना सी में या फिर ब्लैक सी में। तो देखिए इसका आंसर शायद ऑप्शन ए ही होना चाहिए, शायद क्या मैं यहाँ से आपको आंसर ही दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज जो है गल्फ ऑफ, यहाँ से देख लो, ये देख लो गल्फ ऑफ जिनेवा में ये करने वाले हैं, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज वुमेन्स हॉकी टीम वन द गोल्ड मेडल एट वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, यानी कि उस महिला टीम का नाम बताना जिसने महिलाओं के एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में गोल्ड जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है, इंडिया, जापान, पाकिस्तान या फिर साउथ कोरिया। तो देखिए प्राउड होने वाली बात है, हम लोगों की जो महिला टीम है ना उन्होंने यहाँ पे जो है जापान को हरा कर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, जापान को हम लोगों ने 4-0 से हराया, अच्छी बात है, लेकिन याद आपको रखना है जापान को हराया और ये टूर्नामेंट होस्ट कौन से जगह पे किया गया, झारखंड ऑप्शन आए तो झारखंड लगाइए या फिर रांची आए यानी कि झारखंड के कैपिटल को, तो कैपिटल को लगाना है आपको, क्लियर हो गई बातें। चलिए ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इंडिया ने यहाँ पे जो है ये टूर्नामेंट को जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला सवाल है, विच कंट्रीज फंडिंग इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन यूके, यानी कि उत्तराखंड में जो है ये हंगर प्रोजेक्ट को खत्म करने वाले हैं। एक्चुअली आपको पता ही होगा इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हंगर प्रोजेक्ट के तहत कौन सी देश जो है इंडिया की हेल्प करने वाला है, अमेरिका करेगा, यूके करेगा यानी कि इंग्लैंड करेगा, या फिर इसराइल करेगा या फिर नॉर्वे करेगा। तो आंसर डी इसका सही जवाब होना चाहिए, नॉर्वे जो है इंडिया को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्वे, नॉर्वे जो है फूड सिक्योरिटी इंडिया में देखने वाला है, ठीक है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, यानी कि एक इंटरनेशनल मैच हो रहा था और
एक क्रिकेटर को जो है टाइम आउट दे दिया गया। यानी कि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको विद इन 3 मिनट्स एक बैट्समैन के आउट होने के 3 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको क्रीज पे आकर गार्ड लेना होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप जो है आउट करार दिए जाओगे, ये रूल था। लेकिन वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हो रहा था, यहाँ पे अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं पहुँच पाते हो तो आपको जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, टाइम आउट दे दिया जाएगा। तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में एक मैच हो रहा था, और दोनों के बीच में जब ये मैच हो रहा था ना, तो बांग्लादेश के जो कैप्टन है सकीबुल हसन, उन्होंने जो है अपील करी कि भैया ये लेट से पहुंचे, इनको आउट दे दिया जाए। तो फिर एंजेलो मैथ्यूज को जो है आउट दे दिया गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां से आप देख पाओगे राफा बॉर्डर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए राफा बॉर्डर जो है आपको पूछा गया है कि ये किसके किसके बीच आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए राफा बॉर्डर जो है ना, यहाँ पे इल्लीगल जो है बहुत सारे काम किए जाते हैं, यहाँ से जो है इजिप्ट वगैरह, आई मीन जो दूसरे कंट्री है वहाँ से जो है सप्लाई वगैरह किया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट। लेकिन देखिए एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है, यहाँ तो आपने गाजा पढ़ लिया, यहाँ तो आपने गाजा पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली ये गाजा के पास कंट्रोल है नहीं, ये कंट्रोल है किसके पास, इसराइल के पास इसका कंट्रोल है। किसके पास कंट्रोल है, इसराइल के पास इसका एक्चुअल कंट्रोल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन से देखोगे तो ये हो जाएगा इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच जो है आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल आपको इसराइल याद रखना है। लेकिन फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट और गाजा बॉर्डर के जो स्ट्रिप है उसके बॉर्डर को राफा बॉर्डर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पॉलिटिशियन ली क्विंग जिनकी हाल में ही जो है डेथ हो गई, आपको बताना है ये किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, भूटान के, थाईलैंड के, सिंगापुर या फिर चाइना। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना, चाइना के ये जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी डेथ हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियन टू ट्रेवल विदाउट वीजा। देखिए अगर आप किसी देश में जाते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए उस देश का, साथ में उस कंट्री का वीजा होना चाहिए जहाँ पे आप विजिटिंग कंट्री को विजिट करने वाले हो। आई मीन अगर मान लो कि आपको श्रीलंका जाना है तो आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए और श्रीलंका का वीजा होना चाहिए। तो हाल में ही किस कंट्री ने इंडियंस को वीजा फ्री जो है कर दिया है, तो देखिए इसका आंसर होगा थाईलैंड। एक और बात, श्रीलंका भी इसका सही जवाब होगा क्योंकि दोनों ने हाल में ही जो है अनाउंसमेंट करी है। ठीक है देखो यहां से आपको आंसर दिख जाएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड श्रीलंका, समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने दोनों के बारे में आपको बताया था। तो इसका सही जवाब फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, थाईलैंड। अगर श्रीलंका भी ऑप्शन है तो दोनों में जाना है आपको, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज पार्शियली रिज्यूम्ड वीजा सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ विच कंट्री फॉलोइंग अ सस्पेंशन रिलेटेड टू द स्ट्रेट रिलेशन। देखिए दोनों कंट्री के बीच में जो है रिलेशन बहुत खराब हो गया था, अब इंडिया ने जो है पार्शियली रिज्यूम किया है वीजा सर्विस, उस देश का नाम आपको बताना है, पैलेस्टीन, इसराइल, कनाडा या फिर नॉर्थ कोरिया। तो देखो झंडा अगर आपको यहाँ से आप देख पा रहे होगे ना, तो मैंने पूरी कोशिश करी लेकिन फिर भी यहाँ से आपको दिख जाएगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे कनाडा का ये झंडा है। अगर आप चाहते हो पंजाब तो वहाँ पे आपको जो है बहुत सारे जो है ऑप्शन, आई मीन जो है झंडे का जो है चिन्ह दिख जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो ये है, विच इंडियन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड विक्रम 1 ऑर्बिट रॉकेट इन अक्टूबर 2023, उस कंपनी का नाम बताना है, स्काई रूट एयर, एरोस्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के बारे में ये बोल रहे हैं, भारतीय डायनेमिक लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, देखिए स्काई रूट ने जो है एनवील किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रोजेक्ट कुसा, ये जो प्रोजेक्ट कुसा है इंडिया की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है, आपको ये बताना है कि ये जो प्रीव्यू किया गया है ना, ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया, HAL, DRDO, LT या फिर इसरो के द्वारा ये किया गया है। यहाँ से आप देख पाओगे, देखिए प्रोजेक्ट कुसा, ये जो डोम डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, हम लोग अपना आयरन डोम बना रहे हैं, ये DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, DRDO, फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, DRDO का फुल फॉर्म क्या है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, या फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी अगर आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ से पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हरिम्यू शक्ति, ये जो एक्सरसाइज है किस किस देश के बीच में किया गया है, यहाँ से आपको तो एक कंट्री का नाम पता चल चुका है, इंडिया, ऑप्शन से भी आपको पता चल चुका है इंडिया। तो देखिए ये जो ऑप्शन है, मलेशिया, मालदीव, जर्मनी, तो इसका सही आंसर मालदीव होना चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। देखिए
एक्चुअली मालदीप नहीं है, ये मलेशिया है। ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया और इंडिया जो है एक्सरसाइज हरिमु शक्ति जो है ये करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी? इंडिया के जीडीपी को कैलकुलेट करने का बेस ईयर कौन से ईयर को रखा गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है, 2004 से 2005 या फिर 2019 से 20। तो देखिए इसका सही जवाब यहाँ से आप देख पाओगे, जो बेस ईयर है मेरा या फिर आपका हमारा हम सभी का वो है 2011 से 12, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव पाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये, देखो एक्चुअली क्या आता है ना, ये जो फाइव पाई है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज जो है अपने इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं वो शेयर करती है, यानी कि अगर किसी देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो ये चारों जो जिस देश के खिलाफ साजिश हो रही है अलग अलग चारों कंट्री को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पे। तो देखिए पांच कंट्री कौन कौन है, सबसे पहले यहाँ से आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, देखो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, यूएसए दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है, और यहाँ पे आपको यूके दिख रहा है, यानी कि इंग्लैंड भी आपको दिख रहा है। एक कंट्री मिसिंग है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी फाइव पाई का हिस्सा है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो ये फाइव पाई जो है कंट्री यहाँ से आप नाम देख पाओगे। फिर से नाम दोहरा देता हूँ, अमेरिका, यूएसए, यूके आपको यहाँ पे दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा यहाँ पे आपको, कनाडा दिखेगा, इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड भी यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यूएसए पुट्स सैंक्शन ऑन 3 कंपनीज फॉर मिसाइल पार्ट्स सप्लाइज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो है मिसाइल पार्ट सप्लाई कर रहे थे और इस वजह से इन 3 कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है यूएस के द्वारा। अब आपको बताना है कि वो 3 कंपनियां किस देश की थी, नॉर्थ कोरिया की, चाइनीज थी, ईरानियन थी या फिर रशियन कंपनी थी। तो यहाँ से आप देख पाओगे यूएसए ने जो है 3 चाइनीज कंपनी पे क्या कर दिया है, सेंसर लगा दिया। देखिए चाइना वाला क्या करते हैं, ये फूफाजी है, अगर ये किसी कंट्री से नाराज होते हैं तो ये क्या करते हैं उसके ऊपर सेंसर लगा देते हैं, सेंसर वन चलाते हैं यहाँ पे। ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज जो कंपनी है इनको इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सेंसर लगा दिया है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, DRS ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था क्रिकेट में? बड़ा आसान सा सवाल है आपको लग रहा होगा, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2008 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहले जो बैट्समैन आउट दिए गए थे वो है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को जो है यहाँ पे आउट दिया गया था। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोटेंशियल साइक्लोन स्टॉर्म फॉर्मिंग इन अरेबियन सी? अरेबियन सी में जो साइक्लोन आने वाला है उसका जो है नाम आपको बताना है, साइक्लोन बिपरजॉय, बटरफ्लाई, तेज या फिर जीत। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने आपको बताया था वीरेंद्र सहवाग को जो है सबसे पहले आउट दिया गया था और यहाँ से आप जो है इसके आंसर को देख सकते हो। और ये सबसे पहली बार जो है 2011 में T20 में जो है ये 2017 में यूज़ किया गया था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन टेस्ट मैच में 2008 में ही इसका इस्तेमाल कर लिया गया था। फिलहाल इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर जो है क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, एक्चुअली हम लोग कैरिड अवे हो गए थे दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोटेंशियल साइक्लोन स्टॉर्म फॉर्मिंग अरेबियन सी? ये जो अरेबियन सी है यहाँ पे कौन सा साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे तेज, ये जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, साइक्लोन तेज जो है यहाँ पे आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है 2023 में वो कहाँ होने वाला है, न्यू दिल्ली में, बर्लिन में, रोम में या फिर न्यूयॉर्क में? तो यहाँ से आप देख पाओगे जो बर्लिन है जर्मनी का एक शहर है, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड इट्स फर्स्ट 2+2 मीटिंग? देखिए 2+2 का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर और जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है, इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर है, दोनों कंट्री के जो है आमने सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो देखिए इंडिया की ओर से आपको एस जयशंकर जो कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में विदेश मंत्री बोला जाता है, और यहाँ से आपको दिखेंगे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, और इसी तरह से अमेरिका के जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग ये जो है किसके साथ कर रहे हैं यहाँ से पूछा गया है, तो देखिए अमेरिका के साथ तो कर रहे हैं, ये तो सही जवाब है, लेकिन एक और कंट्री है जिसके साथ हम लोग ये करने वाले हैं, उसका नाम है ऑप्शन डी, यूके के साथ भी हम लोग करने वाले हैं। ये 2+2 मीटिंग जो है आपको यूके के साथ भी देखने को मिलेगा। आंसर देखो, इंडिया एंड यूके होल्ड 2+2, पहली बार ये कर रहे हैं, इससे पहले जो है इंडिया हम लोगों ने यूएसए के साथ ये काम कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिमांडेड दैट द यूएन चीफ रिजाइन? यूएन चीफ को रिजाइन करने बोल रहे हैं, रीजन क्या है ना, इन्होंने देखिए
जो है इसराइल और फिलिस्तीन के वॉर को जो है कुछ उसमें स्टेटमेंट दिया था जिससे इसराइल जो है बहुत हर्ट हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा यूएन चीफ को जो है रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, ये न्यूट्रल नहीं रह रहे हैं, ये जो है कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, इंडियन पीएम हैज डिक्लेयर्ड द इंडिया विल डू एवरीथिंग टू गेट द होस्टिंग राइट ऑफ ओलंपिक गेम। कौन से ओलंपिक गेम की बात हो रही है जहां पे इंडिया इसे होस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, 2024, 2036, 2050 या फिर 2030। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडिया जो है 2036 में जो है इसे होस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और जो भी रिसोर्सेस वगैरह लगेगी यहां पे इंडिया लगाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट। सिर्फ ओडीआई में 300 छक्के लगाने वाले फिर से रोहित शर्मा है, डी इसका सही जवाब है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी किन्होंने लगाई है, तो वो भी आंसर रोहित शर्मा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु वन द नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन ईयर 2023। पीस प्राइज जो है किसने जीता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नरगिस, यहाँ से देखो ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी के द्वारा ये जीता गया है, ईरानियन है ये, ईरान की ओर से जो है महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ से देख लो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ईरानियन एक्टिविस्ट इनका नाम है मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, और इन्होंने बहुत जो है फाइट करी है ईरान में महिलाओं के राइट के बारे में, उनको पहनावे को लेकर जो है उनके फ्रीडम को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पे इन्होंने करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज ओबीसी। आपको पता है कि बिहार में हाल में ही जो कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना कराई गई थी, आपको बताना है कि ओबीसी का परसेंटेज वहाँ पे कितना है, 20, 50, 75 या फिर 60%। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से आपको दिखेगा लगभग लगभग 63% आपको दिख रहा होगा, तो इसे जो है हम लोग 60% के अप्रॉक्स में मान लेंगे, डी इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री अनवील्ड फर्स्ट डेमो जो डोमेस्टिकली मेड सबमरीन है, इसका नाम इन्होंने देखिए हाइकून रखा है, सितंबर 2023 में इन्होंने जो है इसे अनवील कर दिया पूरे दुनिया के सामने। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, साउथ कोरिया या फिर जापान। तो ये ताइवान होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है ताइवान, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता ही है कि ताइवान और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे खराब चल रहे हैं और कभी भी जो है चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, विच कंपनी लॉन्च्ड अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया। किस कंपनी ने जो है अर्थक्वेक जो सर्विस है वो इंडिया को दिया है, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर स्पेसएक्स। तो देखिए इसका सही जवाब गूगल होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है गूगल ने किया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसके साथ, तो NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है हम लोग गूगल के द्वारा दोनों मिलकर जो है क्या करेंगे। और आपको पता होगा हाल में ही आपके फ़ोन में एक बहुत तेज़ की आवाज़ आई थी और एक मैसेज भी आया था अलर्ट वाला, एक्चुअली वो फेक अलर्ट था, एक्चुअली फेक नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली ट्रायल था। वो क्या था, ट्रायल था, और ट्रायल में जो है इंडिया गवर्नमेंट देख रही थी कि ये कैसे फंक्शन करेगा, सपोज कर लो कि किसी एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है तो लोगों को कैसे ये जो है इवैक्यूएट करेंगे, बाहर निकालेंगे सुरक्षित। अगला सवाल देखो क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो कब से कब तक हुआ है, 1939 से 1945, 1917 से 1920, 1940 से 1946, ये आपको बताना है। तो देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपको यहां से दिखेगा 1939 से 1945 के बीच हुआ था, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए के साथ आपको बढ़ना है आगे, हम लोग भी बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है देखो, ऑरिक्स रेक्स जो स्पेस क्राफ्ट है 2016 में ये लॉन्च किया गया था। अब आपसे सवाल पूछा गया कौन सी कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है इसने ये काम करा है, तो देखिए इसका आंसर यूएसए होगा। अब आप लोग 2016 करंट अफेयर्स 2023 का है, एक्चुअली ये वापस आ गया है इसलिए ये करंट अफेयर्स में फिर से वापस आ गया है आपके परेशानियों को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ से नासा आपको दिख रहा होगा और ये नासा के द्वारा किया गया था और ये अर्थ पे देखिए 24 सितंबर को आ चुका है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इंडिया की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है 40 है, 71 है, 81 है या 89 है, मुझे लगता है 40 है। आपको क्या लगता है, आपको अगर जो लग रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा जो एजम्पशन था वो बिल्कुल करेक्ट है, 14th पोजीशन इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन में है।
अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज परसेंटेज डज रशिया प्लान टू बूस्ट इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 2024, कितने परसेंट रशिया जो है अपने यहां जो है बम गोला हथियार बनाने में खर्च करेगा, मिसाइल बनाने में खर्च करेगा, 70%, 75%, 30% या 100%। एक्चुअली ये बूस्ट करने वाला है, पिछले साल से ये जो है इससे ज्यादा खर्च करने वाला है। तो देखिए 70%, बहुत बड़ी हाइक है ये। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 70% रशिया यहां पे बढ़ाने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच रेयर मटेरियल हैज बीन फाउंड इन सेडिमेंट सैंपल कलेक्ट फ्रॉम द गल्फ ऑफ कामभट ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में जो है रेयर मेटल मिला है, आपको पता है कि सतलज में जो है एक मेटल मिला था रेयर मेटल, और गुजरात में ये मिला है, लिथियम, वेनेडियम, कोबाल्ट या गोल्ड। तो मुझे लगता है वेनेडियम होना चाहिए, फिर भी जो है हम लोग इसे देख लेंगे, यहाँ से आप देख पाओगे वेनेडियम, और वेनेडियम की फोटो भी आपको यहाँ से दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच कंट्रीज कांग्रेस हैज अप्रूव्ड अ विल दैट वुड एबॉलिश द इनकम टैक्स। मैंने आपको बताया था शुरू में, इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया था। देखिए ये अर्जेंटीना के जो है क्या है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या कर दिया कि बोला इनकम टैक्स किसी को देने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता ये कंट्री को कैसे रन करेंगे, बट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हु वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स जेवलिन थ्रो एट एशियन गेम 2023। देखिए किस महिला ने जेवलिन थ्रो, देखिए जेवलिन थ्रो को आप नीरज चोपड़ा से जान ही रहे होंगे, भाला फेंक, अब महिला ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, यहां से आप देख पाओगे एशियन गेम, और यहां पे आपको तिरंगा दिख रहा होगा, और नाम दिख रहा है अनु रानी। इन्होंने जो है 62.92 का जो है ये रिकॉर्ड बनाया है, इतना दूरी तक इन्होंने जो है अपना भाला फेंका। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब आपसे सवाल पूछा गया कि इंडिया की ओर से ऑफिशियल एंट्री जो है किस मूवी की गई है, जेलर की, जवान की, 2018 एवरीवन इज अ हीरो की, तो देखिए, या फिर कश्मीर फाइल की। तो देखिए इसका आंसर सी, आंसर सही होगा, 2018 की ये मूवी है। प्लीज वॉच कर लीजिए इस मूवी को। इसमें जो है 2018 में जो केरला में बाढ़ आया ना, उसके बारे में बताया गया कि कैसे लोगों की मदद करी गई, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। यहां से आप देख पाओगे, इनकी एक और मूवी है मुन्नर मुंडली, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज उनको ये मूवी जरूर दिखाएं, बहुत ही कमाल की मूवी है ये। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको ये करंट अफेयर्स कराए हैं, इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा। नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।